हंगरी के किले में नाइट्स फाइट, राजा के सामने भोग किया, अब अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे इधर से। दर्शकों ने खुशी में ताली बजाई। राजा और रानी दर्शकों में से चुने गए, क्लाउन भी। मजे की बात है, जो क्लाउन बने हैं वो गोकुल जी, उनकी बेटी ही ठीक पीछे रानी बनी हुई है, डॉक्टर गगना, और राजा कोई अन्य व्यक्ति। हाँ, अंधेरा पड़ रहा है यार, वहाँ मैं कैसे आपको दिखा दूँ, बहुत क्लियर नहीं आ रहा होगा ना अंधेरे वाला। ठीक है, दौड़ते हुए फेंकना। वाह, अब ये तीर धनुष के साथ आए, तो तत्कालीन मध्ययुगीन शस्त्र कलाओं का प्रदर्शन। राजा को सैल्यूट किया, राजा संगोल लेके बैठा हुआ है। वाह, दर्शकों में खुशी की लहर। तो मैं इस वक्त ओलंपिक्स नहीं देख रहा हूं, तो क्या हुआ, कुछ और मध्ययुगीन शस्त्र अस्त्र की कलाएं तो देख ही रहा हूं। ओलंपिक्स भी कुछ वैसे ही है ना, आधुनिक वाली जुड़ गई है स्पोर्ट्स। बस अब की बार एक बैठ के निशाने लगा रहे हैं। अच्छा, वो एक खड़ा होता है, चन लगाता बैठ जाता है। भाई वाह, तो अपने फनीएस्ट राजा रानी और फनीएस्ट पर्सन, यानी डॉक्टर गोकुल, मिस गोकुल, और उनका नाम मिस गगनदीपा, और पीछे कोई और अन्य देश के होंगे, तो सबको मिल गया जूस, सूप मिला, सॉरी एप्पल जूस मिला होगा। अरे बाप रे, ये देखो खतरे वाले लोग खड़े हो गए। इसको शूट करूं मैं, डर लग रहा है यार, ये तो इतनी ऊपर से शूट कर रहे हैं। लग कहां रहा है, वही गजब, दूरी बढ़ गई, खड़े होकर शूट किया। मैं खड़े होकर फोटो नहीं खींचूंगा, क्योंकि मुझे उड़ता हुआ तीर लेने का कोई शौक नहीं है। दौड़ते हुए फायरिंग, वाह, आसान नहीं शूटिंग है, दौड़ते हुए करना निशाने पर, भाई गजब, ये है सचमुच की कला यार। निशाने लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहर जा रहा हूं। तालियां 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 तालियां, ये तो कोई और ही चीज है, समझ में नहीं आ रही क्या है। ये नाइट्स हैं जो राजा साहब के सामने सैल्यूट करते हैं राजा रानी को, और इसके बाद फिर कुछ करेंगे, कोई निशाना ही लगाएंगे, लेकिन है क्या ये कुछ फायरिंग चीज। अच्छा, अच्छा, ये अलग तरीके के, बाप रे, असल खतरनाक था यार ये तो, पुरानी तरह की एयर पिस्टल है क्या। कमांड की प्रतीक्षा, भाई गजब। अब देखिए, ये परीक्षा है,
असली वाली। निशाना चूका तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये जोकर वाला किस्सा हो रहा है, यहाँ लगाना है वहाँ नहीं। सरकस हम लोग बचपन में देखते थे ना, वही है। खुश हो गया, लेकिन तीसरा वाला पक्का उस आदमी को लगने वाला कहीं ना कहीं। जोकर वाला किस्सा होने जा रहा है। ठीक है, हर जगह सरकस एक ही ऐसा होता है। और ये आ गया बाज, राजा रानी को सलाम। बाज आ गया, देखिए बाज क्या करता है। अब इसका कवर हटा दिया गया, जाके बैठ गया कच्चा, हाथ पे आके बैठ गया। कुछ खाने को मिल गया इनाम में, क्योंकि इनका नियम ही यही है। यार ये तो खतरनाक वाली तलवारबाजी होने जा रही है। राजा रानी को सैल्यूट, और विदूषक ने भी अपने को अपना आशीर्वाद दिया सबको। द्वंद्व युद्ध, ये तो और खतरनाक वाले ढाल, और ये इस अस्त्र का नाम ही नहीं मालूम। बाप रे, लग जाए तो गहिला। जनका एरेना में प्रसन्न होगी, कुछ लग रहा है कि हम रोमकालीन युग में हैं और एंड्रोक्लीज और सिंह की कहानी देखने वाले हैं। क्लाउन भी अपने जो है ना, डॉक्टर गोकुल दास एकदम मस्त आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बार ढाल नहीं है दोस्त, लग गई तो लग गई। इतना स्लो मोशन में हो रहा है शायद बताने के लिए कि कौन जीत रहा कौन हार रहा है। उठ गया, उठ खड़ा हुआ, बता रहा कि चोट लग गई। ये तो फरसा लेके आया, एक के पास तो है बॉडीगार्ड जैकेट, दूसरे के पास नहीं है।
बाप रे ये तो असली वाला हो गया, हम हू डर आ गए। अब राजा रानी के सामने सब लोग उपस्थित। अच्छा, बारूद की गंध है यार हवा में। सामने राजा रानी आशीर्वाद दे लेते अपने डॉक्टर गोकुल क्लाउन को, सबसे पहले आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा मन भी ताली बजाने का, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा है। और जो ये सज्जन बीच में खड़े हैं, मेरे कल से वही उस रेस्टोरेंट के मालिक थे जहाँ हमने भोजन किया। और ये रेस्टोरेंट सहायक हेमंत आ गए हिंदी में धन्यवाद देने। एक किले में, मध्यकालीन किले में, यूरोप सेंट्रल के। शो अब समाप्त हो रहा है, मजा आ गया वैसे। Az íjászkodást, illetve a csatacsillagdobást, és tőlük jobbra pedig a madárra, madarásztal tudnak egy-egy fényképet csinálni. अब आप सब समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा। हाँ, नहीं तो अच्छा फोटो खींचाना चाहता हूँ, फोटो खींचा सकते हैं, ये कहा गया। तो मैं बाज के साथ फोटो नहीं खींचाऊंगा यार, क्योंकि वो बाज मांस खाता है और मेरा मांस बहुत स्वादिष्ट हो सकता है।